तो आगरा में उस समय बसपा नेता रवि भारद्वाज की फजीहत हो गई जब वो जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। दरअसल रवि बीजेपी के निजीकरण पर सवाल उठाते हुए जिले की बिजली सप्लाई के बारे में बातचीत करने लगे। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि तत्कालीन बसपा सरकार ने ही टोरेंट पावर को शहर में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि उनकी फजीहत यही नहीं खत्म हुई, इनकी सभा में कोविड गाइडलाइंस का पालन एक भी व्यक्ति नहीं करता दिखा, तो ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। तो एक तरफ जहां ये बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, तो बीजेपी पर निशाना साधते साधते पता चला कि जिस चीज को लेकर ये बीजेपी पर निशाना साध रहे, ये उनकी ही सरकार की देन है। अरे भाई, गरीब जनता के जो बिजली के कनेक्शन काट रखे हैं पिछले चार चार छह छह महीने से, सर्वप्रथम उसी पे कार्य करेंगे, क्योंकि ये मूलभूत जरूरतें हैं हर इंसान की, जिसको हर इंसान को मिलना चाहिए। टोरेंट के खिलाफ बीजेपी वालों ने कोई आवाज नहीं उठाई, हमारी सबसे पहली आवाज होगी। बीजेपी क्यों आवाज उठाएगी? बीएसपी में ही आगरा बिजली विभाग का निजीकरण हुआ था, आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे क्या? क्योंकि बीएसपी ने ही इस पे एग्रीमेंट किया है शायद, और रेट बीजेपी ने बढ़ाए हैं। जब तक हर आदमी पेमेंट कर रहा था, जब तक बिजली का रेट डाउन था, लेकिन अब इन्होंने बीजेपी की सरकार में इतना रेट कर दिया है कि लोग जो है